एम्परर, ओके, नाइन ऑफ कप्स, हायरोफेंट एंड बॉटम में फाइव ऑफ कप्स। मैं आपको बता दूं, यहां पे आया है फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि फाइव ऑफ कप्स क्यों आया है, इसका रीजन क्या है। ये तो बता रहा है कि आपकी लाइफ में फिलहाल कुछ नेगेटिविटी है, या कुछ टाइम से आप नेगेटिविटी को डील कर रहे हैं, है ना। लेकिन मैं एक चीज और मैं यहां बताना चाहूंगी, फाइव ऑफ कप्स एंड में निकल के आया है, तीनों कार्ड के एंड में निकल के आया है। तो अगर आप फिलहाल में नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हैं, या किसी टाइप की नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, ठीक है। क्यों नहीं टिकेगी वो मैं अभी आपको और रीडिंग में बताऊंगी। पहले मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि फाइव ऑफ कप्स आया क्यों है, इसका रीजन क्या है। जजमेंट, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी सिचुएशन ना मुझे ऐसी लग रही है कि आप काफी टाइम से, बहुत टाइम से एफर्ट्स लगा रहे हैं अपनी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में, बट एज योर एक्सपेक्टेशन आपको अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। अब आपने डिसाइड किया है कि अब बहुत एफर्ट्स लगा लिए, बहुत ज्यादा आपने स्ट्रगल कर लिया, अब आपसे मे बी पेशेंस भी नहीं रखा जा रहा है, इस निगेटिविटी से आप डील कर रहे हो। लेकिन मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी, आपको क्लैरिटी दे दूं, यहाँ आया है हेरोफेंट का कार्ड, यहाँ आया है जजमेंट का कार्ड। कितने भी नेगेटिव सिचुएशन से आप डील क्यों ना कर रहे हो, आप थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए। पेशेंस रखेंगे तो सारी सिचुएशन वर्क होंगी। शायद मे बी आपका ये सबसे स्ट्रगलिंग फेज चल रहा हो, क्योंकि भगवान आपकी किसी टाइप की परीक्षा ले रहे हो, है ना। क्योंकि जब तक आप निगेटिव सिचुएशन से नहीं निकलते हैं, तब तक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में नहीं आती है। आई डोंट नो कि आप किस लेवल की निगेटिविटी को डील कर रहे हैं, लेकिन निगेटिविटी तो है, इतना तो मुझे समझ आ गया फाइव ऑफ कप से, ठीक है। बट मैं वही कह रही हूँ कि जितनी भी निगेटिविटी है सारी दूर होगी। यहाँ देखिए फाइव ऑफ कप्स के ऊपर आया है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। खुशियां आपकी लाइफ में, आपकी जो विश है, आपकी जो डिजायर्स है, फुलफिल होंगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में फिलहाल कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, किसी टाइप का स्ट्रगल चल रहा है, तो आप उसको फेस करिए। ये शायद भगवान का एक बोलना चाहिए आपको, अपने आप में सुधार लाने का एक जरिया है कि आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन में डाला है, है ना। लेकिन मैं एक चीज और यहां में बता दूं आपको, आप जब इस फाइव ऑफ कप से डील करेंगे ना, इस किसी टाइप की नेगेटिविटी से डील करके ना, आप एक एम्परर की पोजीशन में जाएंगे, एक अथॉरिटेटिव पर्सन की पोजीशन में जाएंगे। एक राजा बनने के लिए एक पर्सन को बहुत, अगर वो नॉर्मल साधारण सा पर्सन है तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ना। अगर वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है तो वो राजा तो ऐसे ही बन जाता, उसको तो स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी राजा बनाया है अगर वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन आप एक नॉर्मल पर्सन, अपन जैसे लोग जो नॉर्मल पर्सन है, अगर अपन को इस एम्परर की पोजीशन में जाना है ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारी नेगेटिविटी से डील करना पड़ेगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। यहाँ देखिए प्रोफेशनल लाइफ का कार्ड है तो यहाँ पर्सनल लाइफ का कार्ड है, आप दोनों में देख रहे हो ना फाइव ऑफ कप्स की पोजीशन में है। आपकी लव लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, आपकी करियर भी अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा आपने स्ट्रगल फेस किया है दोनों साइड से। लेकिन मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही, थोड़ा सा सब्र रखिए, यूनिवर्स आपके साथ हैं, भगवान यूनिवर्स सारे दोनों के दोनों कार्ड निकल के आ गए हैं। आपकी खुशियों की चाबी, ये देखिए कीज बनी हुई है, आपकी खुशियों की चाबी भगवान के पास है, यूनिवर्स के पास है, ठीक है। तो वो तभी आपको मिलेगी जब आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे। मे बी पता है आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, या किसी भी पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है। कई बार वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि भगवान और यूनिवर्स खुद से कनेक्ट करवाना चाहते हैं आपको, ठीक है। जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है ना, तभी वो भगवान के पास जाता है, तभी वो मंदिर जाता है। कई लोग तो ऐसे नॉर्मल जाते हैं, सो क्या, अच्छी बात है, जाना चाहिए डेली। लेकिन जब इंसान बहुत जगह से हार मान जाता है, नेगेटिविटी फेस कर लेता है, तब जाके वो भगवान के पास जाता है कि अब आप ही रास्ता बताओ कि क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मे बी वही सिचुएशन आपके साथ हो रही है। इतनी नेगेटिविटी इसलिए आई है क्योंकि यहाँ दो दो कार्ड ने बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया है, आपकी खुशियों की चाबी यूनिवर्स के पास है, भगवान के पास है। जब तक आप अपना कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से नहीं बनाएंगे, तब तक आप नाइन ऑफ कप्स की पोजीशन में नहीं जाएंगे। समझ रहे हो ना, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, आप उसको मान रहे हैं तो अच्छे से मानिए ना, ट्रस्ट करिए,
भगवान पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो अपना अच्छे से ट्रस्ट करिए ना, वही आपकी इस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद, इससे पहले आपको एक एम्परर की पोजीशन में आना पड़ेगा, एक अथॉरिटेटिव पर्सन की पोजीशन में आपको आना पड़ेगा। अपनी लाइफ की पूरा, अपनी लाइफ को कैसे डील करना है ये आपको सीखना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको लाइफ के, पता रहना चाहिए। अगर आप किसी नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं तो उसको बाहर कैसे निकला जाए उससे, ये सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए। मैंने आपसे कुछ चीजें शेयर की हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको फॉलो करें और खुशियों के साथ आगे बढ़े, है ना। फाइव ऑफ कप्स की पोजिशन में ना जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ओके। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में चल रहे हैं फिलहाल। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अब समझ में आया आपके वो कप्स में जाने की वजह क्या है। सबसे मेन वजह तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, ठीक है। इस वजह से आप बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गए अपनी लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन का प्रेजेंस है यहाँ पे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब आप सिचुएशन का ठीक होने का वेट कर रहे हैं। तो मैं एक बात यहाँ बता दूं, जैसे आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है ना, लेकिन अब वो मे बी आपके साथ न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे हैं। अभी उनके बैक ऑफ द माइंड चल रही ये चीज है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करना है, आपके पास ऑफर लेके जाना है, आपसे वापस से कनेक्ट होना है, बट ये सारी चीजें उनके बैक ऑफ द माइंड चल रही है। अभी प्रेजेंस है थर्ड पार्टी सिचुएशन का उनकी लाइफ में, है ना। ये नहीं बोलूंगी कि एलिमिनेट हो गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, प्रेजेंस है यहाँ पे, बट उनके बैक ऑफ द माइंड ये पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं। देख लो, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर आया है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। विश फुलफिलमेंट, उनकी जो डिजायर्स है सारी कुछ फुलफिल आपसे होती है, हैप्पीनेस वो आपके साथ देखते हैं, है ना। इस वजह से वो आपको ऑफर देने का सोच रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट ये सारी चीजें उनके बैक ऑफ द माइंड है ना। इन रियलिटी अभी तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया है, स्टेप लेने का सोच रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज यहां बताना चाहूंगी आपको, टेन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया था हैरोफेंट का कार्ड। ये तीन कार्ड को जरा आप देखिए, मैं इतनी देर से आपको जो बोले जा रही हूं वही कार्ड्स ने बता दिया है। ये तीन कार्ड्स देखिए, हैरोफेंट, जजमेंट एंड टेम्परेंस, तीनों के तीनों कार्ड निकल के आए हैं यूनिवर्स एंड भगवान से रिलेटेड। तीनों के तीनों कार्ड में बताया है कि आपको यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना है, आपको भगवान से कनेक्शन बनाना है, अगर आप अपनी लाइफ में वापस से खुशियां चाहते हो, रिकनेक्ट होना चाहते हो, हैप्पीनेस की साइड जाना चाहते हो, तो आपको कनेक्शन यूनिवर्स से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, भगवान का इंटरवेंशन है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीज ही है। आप इसको, आप अपनी लाइफ में अगर नेगेटिविटी को डील भी कर रहे हैं तो ज्यादा दिन नेगेटिविटी नहीं रहेगी, एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देख सकते हो। टेन ऑफ कप, सारी खुशियां आपके पास आएंगी, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। आपका पार्टनर जो अभी तक आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो भी आपके पास कम्युनिकेशन लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मुझे ट्विन फ्लेम लग रही है और सारी खुशियां आप दोनों की लाइफ में आ सकती हैं, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस निकल के आता है इस वीक में, क्या फॉलो करना है आपको। सेवन ऑफ कप्स विथ एट ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड सन। वही मैं बता रही थी आपके लिए, सन कार्ड अभी मैं थोड़ा साइड में रखूंगी, पहले इन तीन कार्ड्स को मैं बता दूं। फिलहाल करंट सिचुएशन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, यहाँ भी कंफ्यूजन का कार्ड है, यहाँ भी कंफ्यूजन का कार्ड है, और यहाँ तो आपने मूव ऑन ही कर दिया, अच्छा किया, कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। किसी नेगेटिविटी से या किसी चीजों से, नेगेटिव थॉट्स से भी अगर आप डील कर रहे हैं ना, यहाँ आपके माइंड में बहुत ज्यादा इल्यूजन चल रहा, पता नहीं किस टाइप का इल्यूजन आप लेके बैठे हो नेगेटिविटी का, कि आपने उनको, उस इल्यूजन को ना, उस नेगेटिविटी को ना सच मान लिया है कि आपकी लाइफ में इतना नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं करना है आपको, ये सिर्फ इल्यूजन है, ये आपके थॉट्स हैं जो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं आपके पाथ से। आपको इन थॉट्स में नहीं फंसना है, आपको इन थॉट्स से मूव ऑन करना है, ठीक है। सेवन ऑफ कप से आया एट ऑफ कप, सेवन से एट की साइड मूव करना है। ये इल्यूजन है ना, इन सबको पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए। नेगेटिविटी को छोड़िए आप पीछे, आगे बढ़िए,
है ना, मून से निकलिए, सन के साइड इतना बड़ा कार्ड आ गया लास्ट, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना आई हो सारी रीडिंग में। मैंने आपको गाइडेंस के लिए कार्ड निकाले, तो तीनों के तीनों कार्ड देखिए, क्या तो भी कार्ड निकल के आए हैं। नेगेटिव ही कार्ड मैं इनको बोलूंगी, इसको ही मैं बोल सकती हूँ एक पॉजिटिव, क्योंकि आप इन दोनों नेगेटिविटी से डील करके आगे बढ़ रहे हो, लेकिन लास्ट में निकलना था तो सन ही निकलना था, है ना। ये डेस्टाइंड है, ये डेस्टिनी में लिखा है आपकी, कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, खुशियां, आप जो चाहते हो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में होगी, लेकिन आपको इस इल्यूजन से, जो नेगेटिव थॉट्स का आपने बना के रखा अपने माइंड से, उससे बाहर निकलिए, मूव ऑन करिए इस नेगेटिव सिचुएशन से। जितने जल्दी आप मूव ऑन कर लेंगे, उतनी जल्दी आप खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे, सन कार्ड को अपनी लाइफ में लेके आएंगे, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में लेके आएंगे, स्टेबिलिटी को लेके आएंगे। जितना मैं बोलू ना इस कार्ड के बारे में उतना कम है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है, बट आपको मैं बता चुकी हूँ कि कंफ्यूजन से निकलिए बाहर।